तस्वीरों को आपके लिए अमेरिका से नमस्ते भारत की टीम के विकास भदौरिया भेज रहे हैं। सीधे विकास के पास ही आपको लेकर चलते हैं। विकास, आज आगे का और क्या कार्यक्रम? देखिए, फिलहाल यहाँ पर रात के इस वक्त 9 बज रहे हैं। रात में बैठकों का दौर चलेगा। तमाम जो तैयारियां कल की बैठकों से जुड़ी हुई होनी है वो प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का दिन भर का जो जिसको कहते हैं जद्दोजहद भरा दिन शुरुआत होगी। सबसे पहले वो 5 अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे, जिसमें एडोबी के शांतनु नारायण हैं, इसके अलावा विडमार्क हैं, नील ब्लू हैं। ये तमाम जो सीईओ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों से जुड़े हुए हैं, इसमें इक्विटी शेयर की कंपनी भी शामिल है, ब्लैकस्टोन शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मानव रहित विमान और ड्रोन से जुड़ी हुई कंपनियां भी शामिल हैं, 5G तकनीक और सिस्टम सर्किट से जुड़ी हुई कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो भारत को अगले चरण में ले जाने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। आपको पता है कि स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हुए, खासतौर पर मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर और इंटेलिजेंस की साझेदारी को लेकर। और अब दोनों देश ही क्वाड का हिस्सा भी हैं, जो कि चीन की विस्तारवादी सोच के खिलाफ लामबंद है। और उसके बाद उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होनी है। कमला हैरिस भारतीय भारतवंशी हैं, उपराष्ट्रपति हैं। मुलाकात बेहद अहम है भारतीय समुदाय के लिहाज से और भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से। नए आयाम पर ये मुलाकात ले जा सकती है। फिर उनकी जापान के सुजा से मुलाकात होगी, और जापान भी चूंकि क्वाड का हिस्सा है, इसलिए क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ ना केवल द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी, बल्कि क्वाड की बैठक से पहले वहाँ के एजेंडे को भी तय करने वाली ये बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो कल जो है प्रधानमंत्री का दिन जो है बहुत हेक्टिक रहने वाला है। लगातार बैठकों का दौर जो सुबह 11 बजे शुरू होगा तो रात लगभग 7:30-8 बजे तक चलेगा। ABP News आपको रखे आगे।